आज हम देखेंगे मेडिसिन को नोट से तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायरोजीनम एक नोसूड है जो कि किसी भी प्रोडक्ट से बनाया जाता है पस से बनाया जाता है तो फिजिकल जनरल्स में देखते देखते हैं सर, आ, या फिर सेप्टिसीमिया ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है परप्यूरल या फिर सर्जिकल फॉर्म की टोमाइन पोज़निंग हुई है सीवर गैस का इन्फेक्शन हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिप्थीरिया टाइफॉइड और टाइफस वैन द बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स हो गई है तो जो पायरोजिनम है वो परमानेंटली क्या कर देगी इम्प्रूव कर देगी ऐसी सप्टीसीमिया की परप्यूरल या सर्जिकल फॉर्म हो सकता है किसी भी फॉर्म का जो भी हमको सप्टीसीमिया देखने को मिलता है उस कंडीशन को बैड फील जो करता है जो पर्सन उसको बैड हार्ड फील होता है जो भी पार्ट्स जो लाई है उस पर सोरनेस की फीलिंग आएगी ब्रूस्ड फीलिंग आएगी रैपिड डैक्यूबिटिस डेक्यूबिटाइटिस देखने को मिलता है कि जहाँ पे भी पेशेंट सोया हुआ है उस पार्ट में उसको इन्फ्लमेशन देखने को मिलता है ग्रेट रेसलेसनेस देखने को मिलती है पेशेंट में जो पर्सन रहता है कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है जो कि एमलोरेटेट करती है उसकी जो सोरनेसा पार्ट है उसको ठीक है अर्निका और यूपिटोरियम में भी जिस भी जिस भी वो कंडीशन में सूता है अफेक्टेड पार्ट उसमें सोरनेस की कंडीशन देखने को मिलती है अब देखते हैं पायरोजिनम में जो माउथ सिम्टम्स है टंग हमको लार्ज फ्लेबी क्लीन स्मूथ देखने को लगेगी एज इफ एस इविज ऐसा लगता है कि वैनिस्ड हो गई है फायरी रेड कलर की टंग देखने को मिलेगी ठीक है और ड्राई क्रेकिंग आर्टिकुलेशन जो होगा वो डिफिकल्ट होगा बोलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी इसमें ठीक है क्रोटेलस ऑरिडस और टिक्रियम में भी हमको ये सिम्टम्स देखने को मिलता है आर्टिकुलेशन डिफिकल्ट टेस्ट की अगर बात करते हैं तो स्वीटी स्टेज देखने को मिलता है माउथ में टेरिबल फिटिड बदबू आती है पर्स लाइक बदबू आती है जैसे कि एप्स बन गया है जीआईटी की अगर बात करते हैं तो वॉमिटिंग हमको देखने को मिलती है जो कि पर्सिस्टेंस होती है बार बार होती है लगातार हो रही है जो कि ब्राउन कलर की कॉफ़ी ब्राउन कलर की वॉमिटिंग होगी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगी ठीक है स्टर्को रेशियस रहेगी और साथ में इम्पैक्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड बॉबल के कारण भी वॉमिटिंग हो सकती है डायरिया की अगर बात करते हैं तो डायरिया इज़ आल्सो हॉर्वली ऑफेंसिव ब्राउन और ब्लैक कलर का डायरिया पेनलेस डायरिया इन्वॉलेंट्री डायरिया ठीक है और उसको पता ही नहीं है कि कब उसको विंड पास करनी है फैटस पास करनी है इतना इन्वॉलेंट्री डायरिया है एलोवे और ऑलियंडर में भी इन्वॉलेंट्री डायरिया देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन का अगर कैरेक्टर देखते हैं तो कंप्लीट इनर्शिया हो गया है रक्टम का ठीक है ऑप्शिनेस फॉर्म द इम्फेक्शन फीवर में देखने को मिल सकता है कॉन्स्टिपेशन स्टूल का अगर कैरेक्टर लार्ज ब्लैक और केयरियन लाइक -like रहेगा ठीक है सड़ा हुआ स्मॉल ब्लैक बॉल्स रहेगी छोटी छोटी ऑलिव जैसी ओपियम प्लम्बम में भी हमको स्मॉल ब्लैक बॉल्स में स्टूल देखने को मिलता है फीमेल्स की अगर बात करते हैं तो जो फीटस है वो सेकेंडरीज रिटेन रह गई है ठीक है जो फीटस है उसके कुछ पार्ट्स अभी अंदर है डिकम्पोस्ड हो गया है या फिर डेड है फीटस अंदर ही बहुत दिनों से कुछ दिनों से ब्लैक हॉरीबली ऑफेंसिव डिस्चार्जेस हो रहे हैं नेवर वेल बीन सीन सेप्टिक फ़ीवर उस सेप्टिक फीवर से आज तक कभी भी ठीक नहीं हुआ है जैसे कि अबोशन के बाद कन्फाइनमेंट के बाद और वोज तो द वाइटल एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस तो ऐसी कंडीशन में पायरोजिनम अच्छे से जो यूट्रस की एक्टिविटी है उसको ऑरोस करती है उसकी वाइटल एक्टिविटी को लोकिया हमको थीन एक्रीड ब्राउन कलर का देखने को रहेगा जो कि बहुत फिटेड रहेगा सप्रेस अगर लोकिया हुआ तो भी हम लोग पाइरोजेनम दे सकते हैं उसके बाद उसको चील फीवर और प्रोफ्यूस फिटिड पॉसिपिरेशन देखने को मिलता है लोकिया की कंडीशन में अब देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में तो डिस्टिंग कॉन्शनेस कॉन्शियसनेस ऑफ दी हार्ट हार्ट की कॉन्शियसनेस फील होती है कि हाँ हार्ट बीट कर रहा है एज आई इट फील्स टायर्ड खुद को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है ऐसा लगता है कि हार्ट इलाज हो गया है पोरिंग थ्रोबिंग पल्सेटिंग देखने को मिलता है कॉन्स्टेंटली कानों में प्रिवेंटिंग जो कि स्लिप को करता है कार्डियक एस्थी फ्रॉम सेप्टिक कंडीशन के कारण पल्स एबनॉर्मली रैपिड देखने को मिलती है ऑल ऑफ द प्रपोर्जन टू टेम्परेचर ठीक है जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मली कि टेम्परेचर बढ़ता है तो पल्स भी बढ़ती है बट बढ़ इधर ऐसा कोई को नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा है तो पल्स भी बढ़ेगी उसके कोई प्रपोजन्स में नहीं रहती वो फीवर की अगर बात करें तो चील जो स्टार्ट होती है बैक से बिटवीन द स्केपला बहुत ज़्यादा Severe, उसको दिक्कत होती है चील के टाइम में जनरल में, में, मा, तो हो हीट, हीट होती है सडन स्किन ड्राई और बर्निंग देखने को मिलती पल्स भी रैपिड हो जाती है स्मॉल और वायरी पल्स देखने को मिलती है वन टू वन और स्किन जो होगी कोल्ड क्लैमी स्वेट रहेगा उसके बाद अगर सेप्टिक फीवर तो की अगर बात करें तो परप्यूरल होता है स्पेशली पायरोजेनम क्या करती है डिमोन्स्ट्रेट इट्स ग्रेट वैल्यू एज अ होम्योपैथिक डायनमिक इसको बोला जाता है स्किन की अगर बात करें तो स्किन पेल कोल्ड और ऐशी ह्यू कलर की देखने को मिलेगी जो कि सिकल कोर में भी देखने को मिलती है ऑप्शीनेट और वेरिकोज ऑफेंसिव अल्स देखने को मिलेंगे ओल्ड पर्सन में जो हमको सोराइनम में भी देखने को मिल सकते हैं कंपेयर करेंगे हम लोग इसको आर्सेनिक से कार्बोवेज कार्बो एन कार्बोलिक एसिड ठीक है ओपियम सोराइनम रस्टोक सिकलकोर और वैरेट्रम से लेटेंट पायरोजेनिक प्रोसेस जो भी चल रही है अंदर ही अंदर पेशेंट जो कंटिन्यूली रिलैप्सिंग हो रही है आफ्टर अपेरियम अपेरियंट ऑफ द सेमिलिमम तो हम लोग पायरोजेनम दे सकते हैं ऐसी कंडीशन में कि जो पर्सन की जो की स्टेट है वो बार बार आ रही है तो हम लोग पायरोजेनम मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं तो ये थी रेमेडी पायरोजेनम फ्रॉम एलेंस की नोट आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है थैंक यू फॉर वॉचिंग